अमेरिका आज एक सुपर पावर है क्योंकि इसने 1920 में एक नहर बनाई थी, एक ऐसी नहर जो आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि 150 देशों की इकोनॉमी की रीढ़ बनी है। यह वो नहर है जिसने अमेरिका के वेस्ट और ईस्ट को जोड़ा। यह नहर दो महासागरों को जोड़ती है। यह वो नहर है जो अमेरिका का भाग्य तय करती है। अगर यह नहर ना होती तो शायद आज अमेरिका भी सुपर पावर ना होता। इस नहर से दुनिया के 2000 बंदरगाह और 150 से भी ज्यादा देश जुड़े हुए हैं। इस नहर पर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो अमेरिका को काफी मजबूत पोजीशन पर खड़ा करता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने के लिए दो दो बार कोशिशें की और एक देश का बंटवारा तक करा दिया। एक वक्त था जब दुनिया के कई बड़े साम्राज्य इस नहर को बनाना चाहते थे। ब्रिटेन से लेकर स्पेन और स्कॉटलैंड से लेकर फ्रांस ने भी इसे बनाने की कोशिश की। फ्रांस की तो एक कंपनी ही दिवालिया हो गई थी इस नहर को बनाने के चक्कर में। लेकिन फिर अमेरिका इस नहर को बनाता है और बन जाता है सुपर पावर। लेकिन इस नहर का इतिहास बहुत भयानक है। करीब 25,000 लोगों की मौत की नींव पर बनी है यह नहर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनी यह नहर और इस नहर का वो काला इतिहास जो लोगों से छुपा हुआ है और कैसे इसके बनने से अमेरिका बना सुपर पावर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बात हो रही है पनामा नहर की। पनामा नहर यूएसए को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी थी। ग्लोबल ट्रेड में इस नहर की इंपॉर्टेंस तो थी ही, जो आज तक बनी हुई है। साथ ही ये अमेरिका को स्ट्रेटजिक ताकत भी देती है। नहर बनने से अमेरिका बड़ी आसानी से वेस्ट और ईस्ट अमेरिका से समुद्री रास्ते से कॉन्टैक्ट बनाए रख सकता था। 20वीं सदी में समुद्र पर कब्जे का मतलब होता था दुनिया पर कब्जा, क्योंकि तब सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम समुद्र से होता था। अमेरिका को अपने ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे देरी ना हो, इसलिए उन्होंने इस नहर को बनाया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो दुनिया की सत्ता उनके हाथों में होगी। मैप को देखेंगे तो पता चलेगा ये नहर ना हो तो अमेरिका को अपने वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए 2 हफ्तों का टाइम लगेगा। वहीं इस नहर से यह सफर सिर्फ 10 घंटे में पूरा हो जाता है। यूरोप के कई देशों को इस नहर की वजह से साउथ अमेरिका के केप हॉर्न का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इस नहर की वजह से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में 1300 किलोमीटर की बचत होती है। यही नहीं, इसी नहर की मदद से यूएसए अपनी सेना को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देती है। अटलांटिक महासागर में खड़े उसके जंगी जहाजों को अमेरिका बहुत तेजी से इस नहर के थ्रू प्रशांत महासागर में भेज सकता है। वेस्ट इंडीज और वेस्टर्न आइलैंड पर भी इस नहर से नजर रखना इजी हो जाता है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी पनामा नहर से फायदा होता है, क्योंकि उसे न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका तक पहुंचने के लिए रास्ता कम तय करना पड़ता है। दुनिया भर के 150 से भी ज्यादा देश आज इस नहर का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि इसका फायदा मिलता है अमेरिका को, क्योंकि आज भी इनडायरेक्ट ट्रेड को वो कंट्रोल करता है, यानी कि अमेरिका के हाथों में इस ट्रेड का कंट्रोल है। आज भी पनामा नहर दुनिया की सबसे बिजी नहरों में से एक है, जहां करीब हर महीने 1000 जहाज गुजरते हैं। करीब 40 मिलियन टन सामान हर महीने यहां से निकलता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यह नहर अमेरिका को बनाती है एक सुपर पावर। अब आइए बताते हैं कि ये नहर बनी कैसे और इसका इतिहास इतना डार्क क्यों है। पनामा नहर को बनवाने की कोशिश कई देशों ने की। सबसे पहले रोम के सम्राट चार्ल्स द फिफ्थ ने 1534 में एक सर्वे कराया ताकि जहाजों को दोनों महासागरों को जोड़ने का रास्ता मिल सके। चार्ल्स तब रोम, स्पेन और पुर्तगाल की सेना पर अपना दबाव बनाना चाहते थे, जिनकी नेवी उस वक्त बहुत ताकतवर होती थी। हालांकि वो इस काम को करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस सर्वे ने कई देशों को इनकरेज किया, जिससे वो इस नहर को बनाने का रिस्क उठाने लगे। जैसे 17वीं सदी के आखिर में स्कॉटलैंड साम्राज्य ने नहर बनाने की कोशिश की, हालांकि वो फेल हो गए। फिर साल 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसे भी पनामा से एक नहर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करना था, लेकिन पहली बार में अमेरिका से भी बात नहीं बनी। हुआ यह कि पनामा जो आज एक देश है वो कभी ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए नहर बनाने के लिए अमेरिका को पनामा और उसके आसपास के देशों से बात करनी थी, जैसे कि वेनेजुएला, इक्वाडोर और ग्रैंड कोलंबिया। 1826 में अमेरिका ने इन देशों से बातचीत शुरू की थी। इस बातचीत में इक्वाडोर मान गया, लेकिन अमेरिका की जो ताकत बढ़ रही थी उसे देखते हुए वेनेजुएला और कोलंबिया ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया।
कुछ सालों बाद 1843 में ब्रिटेन ने भी हाथ आजमाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि इसके 7 साल बाद अमेरिका ने एक बड़ा डेवलपमेंट किया पनामा के रास्ते में एक रेल रूट बनाकर। इसे इस एरिया में ट्रेड को बढ़ावा मिला। आगे चलकर इसी ने नहर बनाने में भी हेल्प की। इसके बाद सीन में आया फ्रांस, जिसने 1880 के दशक में नहर बनाने का प्रोजेक्ट संभाला। फ्रांस ने इसके लिए इजिप्ट की स्वेज नहर बनाने वाले फर्डिनेंड विस्काउंट डे लेसेप्स को 1881 में जिम्मा दिया। फर्डिनेंड ने यहाँ 14 साल लगा दिए, लेकिन वो भी इस प्रोजेक्ट में फेल हो गए क्योंकि महामारियों की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगे करीब 22,000 मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा प्रोजेक्ट की खराब प्लानिंग की वजह से इसे बंद करना पड़ा और $287 मिलियन डूब गए। फर्डिनेंड की कंपनी दिवालिया हो गई। इस बीच 1890 के आखिर में फ्रांस ने पनामा नहर की जो संपत्ति थी, एसेट को, अमेरिका को बेचने का ऑफर दिया, क्योंकि अमेरिका काफ़ी टाइम से इस नहर को बनाने की सोच रहा था। इसलिए 1904 में अमेरिका ने डील कर ली। अब अमेरिका अपनी दूसरी कोशिश करने वाला था, लेकिन इस बार भी कोलंबिया ने प्रोजेक्ट में साथ देने से मना कर दिया। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तरह से रेडी था, उसे नहर बनानी थी। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की सरकार ने पनामा के एरिया में कोलंबिया के खिलाफ रिवोल्ट करा दिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि कोलंबिया से अलग होकर पनामा दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, जिसने अमेरिका को 500 स्क्वायर मील की जमीन नहर बनाने के लिए दे दी और सारे अधिकार मिल गए अमेरिका को। फिर अमेरिका ने 1904 में नहर पर अपना काम शुरू किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने पनामा नहर का काम शुरू कराया। इस नहर को बनाने में कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स चीफ इंजीनियर लगाए गए। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस नहर को बनाने में स्पेन और फ्रांस जैसे देश फेल हो गए थे, खुद अमेरिका भी एक बार नाकाम हो चुका था, उसे अमेरिका ने दोबारा अपनी डेडलाइन से 2 साल पहले ही बना लिया, यानी कि 1914 में। इस काम के लिए 12 साल का टाइम तय हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 सालों में यह नहर बनकर तैयार हो गई। हालांकि इस बार भी करीब 5,600 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। एक बार यह नहर बनने के बाद अमेरिका पूरी दुनिया के ट्रेड पर अपना कंट्रोल जमा बैठा। इस नहर की बदौलत उसने पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में खूब कमाई की, क्योंकि वो बेहद कम टाइम में हथियारों की सप्लाई करने में कामयाब हो गया था। हालांकि आगे चलकर यहाँ कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई। 1964 में अमेरिका और पनामा के बीच में टेंशन हुई और यह टेंशन चली 1977 तक। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और पनामा के जनरल उमर टोरी जोस ने 1979 में नहर क्षेत्र पर 60% पनामा को लौटा दिया और 1999 में यह नहर पूरी तरह से पनामा के पास आ गई। तो दोस्तों, ये तो हो गई नहर के इतिहास की बात, जिसमें कई लोगों की मौत शामिल है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया की सबसे अनोखी नहर है, इंजीनियरिंग का सबसे नायाब नमूना। यह पनामा कंट्री के बीचों बीच से निकलती है। एक साइड में प्रशांत महासागर और दूसरी साइड में अटलांटिक महासागर इससे जुड़ते हैं। यह नहर एक मैन मेड झील गैतन लेक से होकर गुजरती है। यह झील 82 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हर कैप्टन इस नहर में जहाज को नहीं चला सकता, इसलिए जब कोई जहाज इस नहर पर पहुंचता है तो एक अलग और स्पेशली ट्रेंड कैप्टन इस जहाज को चलाता है। जब जहाज नहर से समुद्र में उतरता है, तब इस नहर का एक अलग कैप्टन जहाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहां पर नहर में 3 लॉक लगाए गए हैं। जब समुद्र से जहाज नहर के मुहाने पर आता है, तब लॉक्स की मदद से जहाज को 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। इस पहले लॉक को पार करने के बाद पीछे वाले लॉक को बंद कर दिया जाता है और एक बेहद ताकतवर पंप से लॉक को पानी से भर दिया जाता है। फिर जहाज को ऊपर और उठाया जाता है और जहाज के दोनों तरफ लगे कई रेलवे इंजन जहाज को धीरे धीरे अगले लॉक तक ले जाते हैं। फिर वहां भी यही प्रोसेस होता है। इस तरह से 3 फेजेस में उठा जहाज नहर में दाखिल होता है। फिर जहाज गैटन लेक से होता हुआ आगे बढ़ता है। जब नहर के दूसरी तरफ जहाज पहुंचता है, तो इस प्रोसेस से जहाज को नीचे ले जाकर समुद्र में उतार दिया जाता है। इस तरह से जहाज वापस पानी में चला जाता है। तो दोस्तों, ये है प्रोसेस इस नहर में जहाज को चलाने का। इस तरह से करीब महीने में 1,000 जहाज इस नहर से गुजरते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि अमेरिका की बनाई ये नहर उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हालांकि इस नहर को बनाने में करीब 25,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, इसी वजह से कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।